हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप सीटी स्कैन प्रोसीजर कि हम किसी एक पेशेंट का जब सीटी स्कैन करते हैं तो हम कहां से स्टार्ट करते हैं और कहां पे एंड करते हैं। ये वीडियो बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए है जिनको सीटी स्कैन का कोई आइडिया नहीं होता है, जिन्होंने फर्स्ट क्लास से स्टार्ट किया है उनके लिए है। तो मैं इसमें स्कैन करना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं इस वीडियो में इतना दिखाना चाहता हूँ कि स्कैन कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और कहाँ पे एंड करेंगे और उसमें कितने एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। तो पहला एप्लीकेशन होता है इसमें पेशेंट एंट्री, यानी कि सबसे पहले हम पेशेंट की एंट्री कर लेते हैं सिस्टम पर। देखिए इसमें सारे स्टेप दिखाऊंगा बस मैं कि हम क्या क्या करते हैं सीटी स्कैन करते टाइम पर। तो पेशेंट की नाम एंटर कर लेते हैं इसमें। ये देखिए पेशेंट का नाम एंटर हो चुका है। अब पेशेंट का नाम एंटर करने के बाद अब हम बनाएंगे पेशेंट की पोजीशन, यानी कि सेकंड स्टेप होता है इसमें पेशेंट की पोजीशन करना। तो अब हम पेशेंट की पोजीशन करेंगे। तो गाइज हमारा सेकंड स्टेप था पेशेंट की पोजीशन करना। तो पेशेंट की पोजीशन करते हैं हम। ये पोजीशन करना मैंने दूसरे वीडियो में सिखाया हुआ है, मैं इसमें ओनली स्टेप दिखा रहा हूँ कि एक स्कैन कंप्लीट करते टाइम पे आपको क्या क्या करना होता है। तो सेकंड स्टेप है आपका पेशेंट पोजीशनिंग। ये देखिए पेशेंट पोजीशन कर लेंगे हम। और पोजीशन करते टाइम पे आपको पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देना होता है कि आपको हिलना नहीं है, आपको सांस अच्छे से रोक के रखना है, मतलब इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग आपको बोलना है। तो मैं इसका चेस्ट का स्कैन करूँगा तो मैं सारी चीज़ें मुझे समझानी होती हैं पेशेंट को कि सांस अच्छे से रोकना है, हिलना नहीं है, पेशेंट को सारी चीज़ें बता दो पोजीशन करते टाइम पर। तो ये सेकंड स्टेप था हमारा पेशेंट पोजीशनिंग। ये पेशेंट पोजीशनिंग हो गया पेशेंट। ये देख लीजिए पेशेंट पोजीशन हो गया, नाम एंट्री हो गया। अब हम एग्ज़ाम करते हैं, यानी कि थर्ड स्टेप होता है सेलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल। यहाँ पे आपको उस बॉडी पार्ट को सेलेक्ट करना होता है जिस पार्ट का आपको स्कैन करना है। तो मेरे को करना है HRCT चेस्ट। ये रहा HRCT चेस्ट लिखा है, क्लियर। ये मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि सीटी स्कैन करते टाइम पे क्या क्या करना होता है। तो इसको बोलते हैं सेलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल। जैसे ही आप सेलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल करते हो तो मशीन पे लिखा आता है यहाँ पे लोड। चलो लोड कर लेते हैं। ये फर्स्ट क्लास है इसका सीटी स्कैन का। तो ये आ गया स्टार्ट और ये स्टार्ट का बटन साइड में होता है, आप इसको प्रेस कर दो। लंबी सांस लीजिए, सांस रोक के रखिए। ये देखिए तो ये जो पहली इमेज आती है, जो फर्स्ट इमेज आती है, इसको बोलते हैं स्काउट। अब आराम से सांस लीजिए। स्काउट, स्कैनोग्राम, टोपोग्राम, लोकलाइजर सारी एक चीज ही होती है, ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या है? प्लानिंग। जो स्टूडेंट फ्रेशर होते हैं उनको कन्फ्यूजन हो जाता है पोजिशन और प्लानिंग में। तो पहले हमने पोजिशन करी थी और ये है प्लानिंग। ये जो मैं कर रहा हूँ ये प्लानिंग है। अब कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बनाई हुई हैं सारी चीज़ें। ये देखिए तो ये मैंने प्लान कर दिया, इसको बोलते हैं प्लानिंग। तो आपको थर्ड पॉइंट में प्लानिंग करनी होती है, प्लान कर दो। उसके बाद फिर से लोड मांगे कि यहाँ से लोड करो, लोड कर दिया। मूव का बटन होता है साइड में रखा होता है यहाँ पे, यहाँ से मूव कर दो इसको। मूव करने पर ये यहाँ पर दिखाई देता है पेशेंट मूव हो रहा है। देन फिर ये स्टार्ट का बटन है, यहाँ से स्टार्ट कर दो। लंबी सांस लीजिए, सांस रोक के रखिए। अब ये साथ में स्कैनिंग चलती रहेगी, पेशेंट ने सांस रोक के रखा हुआ है, स्कैन हो रहा है। ये स्कैन हो रहा है आपका, ये देखिए। अब यहाँ पे सीटी स्कैन कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद क्या करना होगा वो देखेंगे। तो यहाँ पे स्कैन कंप्लीट हो गया, पेशेंट को हम आउट कर देते हैं। अब पेशेंट आउट करने के बाद का जो स्टेप होता है उसको बोलते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग। तो पोस्ट प्रोसेसिंग में सबसे पहले हम करते हैं रिकॉन्स्ट्रक्शन, यानी कि रिकॉन। मैंने कई बार पढ़ाया इस चीज़ को कि रिकॉन क्या होता है, कैसे काम करता है। तो अभी हम ओनली उसका स्टेप देख रहे हैं। तो हमें करना है रिकंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा है टू, यहाँ पे क्लिक कर लो, ये रिकॉन है, ये दिखा है। इसकी मैकेनिज्म क्या है वो मैंने लास्ट वीडियो में बनाया हुआ है, मैं इसमें स्टेप दिखा रहा हूँ ओनली। तो हम फोर्थ स्टेप पे करते हैं रिकॉन। तो रिकॉन में चलो स्लाइस थिकनेस हम चेंज कर सकते हैं 2.5।
ये जो कर्नल है इसको फिल्टर बोलते हैं, फिल्टर हमने शार्प लगा लिया और विंडो लगा लिया लंग्स। अभी लंग्स विंडो पे रिकॉन होके आएगा, देखिए। यानी कि रिकॉन ने क्या करा, इसकी स्लाइस थिकनेस को कम कर दिया, ये मतलब होता है रिकॉन का। डिटेल्स में आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं, ये देखिए ये रिकॉन हो गया। अब जैसे कि मैंने ये लंग्स विंडो पर रिकॉन किया, एक बार हम इसको सॉफ्ट टिश्यू पर रिकॉन कर लेते हैं। ये देखिए ये सॉफ्ट टिश्यू पर रिकॉन कर लो, 2.5 थिकनेस है। तो यहाँ से अब ये जो फिल्टर है सॉफ्ट टिश्यू में स्मूथ फिल्टर लगता है, स्मूथ फिल्टर लगा लिया मैंने और विंडो मैंने कर दी मीडियास्टिनम। क्लियर? तो अब ये मीडियास्टिनम पे रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगी इमेज। तो ये फोर्थ स्टेप था। अब इसके बाद हम क्या करेंगे अब देखते हैं। इसके अलावा सीटी स्कैन में हम कोई भी एप्लीकेशन यूज नहीं करते हैं। मैं सारे एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ इसमें कि क्या क्या करते हैं। तो ये रिकॉन हो गया। अब रिकॉन के बाद हम क्या करते हैं, रिफॉर्मेट करते हैं, यानी कि 3D में ओपन करेंगे। ये देखो ये ब्राउज़र में जाओ, ये पेशेंट लिस्ट है, इस पेशेंट का स्कैन कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद ये 3D में ओपन कर लो। यहाँ से 3D में ओपन करने के बाद में जब हम रिफॉर्मेट में 3D में स्कैन को ओपन करते हैं तो उसमें थिन सेक्शन को ओपन करते हैं, मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है, ये देखिए। तो पांचवे स्टेप में यानी 5 स्टेप में आपको इसका करना होगा रिफॉर्मेट, यानी कि एक्सियल या सजाइटल कॉर्नल इमेज जो भी आपको बनानी है वो बनानी होती है। क्लियर? तो सपोज करो मैं एक्सियल इमेज बना रहा हूँ, तो मैंने एक्सियल इमेज बना लिया, ये देखिए। ये डिटेल्स में आपको लास्ट वीडियो में मिल जाएंगे, ये देखिए। तो पांचवा एप्लीकेशन था इसका रिफॉर्मेट, ये रिफॉर्मेट हो गया, ठीक है। अब रिफॉर्मेट करने के बाद में आप क्या करते हो, लास्ट जो स्टेप होता है सीटी स्कैन में वो होता है फिल्मिंग का। अब आप फिल्मिंग करोगे, तो फिल्मिंग कैसे करनी है, कितनी करनी है, वो इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ मैं। इस वीडियो में ओनली प्रोसेस दिखाया जा रहा है सीटी स्कैन का, कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया था और एंड हमने कहाँ पे कर दिया। तो स्काउट डाल दिया और इसमें ये हमने फिल्मिंग करी, ये फिल्मिंग कर लेते हैं, ये देखिए ये फिल्म हो गया इसका, लंग्स विंडो की फिल्म है, ये देखिए ये हो गया, एक फिल्म होगी कंप्लीट, ये देखिए एक फिल्म कंप्लीट हो गया। अब दूसरी फिल्म बना देते हैं इसकी, ये देखिए ये दूसरी फिल्म बनेगी। ये है फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए, जिसने फर्स्ट वीडियो से देखना स्टार्ट किया है उनके लिए है ये वीडियो, यानी कि उनको ये पहले मालूम होना चाहिए कि सीटी स्कैन हम करते कहाँ से स्टार्ट हैं और एंड कहाँ पे कर देते हैं। ये फर्स्ट क्लास आप इसको नोट कर सकते हैं और उसके बाद आप 1x1 स्टेप सीखते रहिए। ये देखिए ये हो गया, तो इसको कर देते हैं प्रिंट, ये प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे पेशेंट का स्कैन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, इतना काम करना होता है हमें। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही था, यदि इस वीडियो से कुछ समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।